लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। आज का प्रैक्टिकल है सोनोमीटर टू, इसको सोनोमीटर टू कहा जाता है प्रैक्टिकल को। और इसमें वी आर गोइंग टू वेरीफाई द लॉ ऑफ टेंशन। अब लॉ ऑफ टेंशन जो हम यहाँ वेरीफाई करने वाले हैं और जो हम थ्योरी में पढ़े हैं उसमें थोड़ा सा अंतर है। सो लेट अस क्विकली रिवाइज द थ्योरी बिहाइंड दिस व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट। ये सोनोमीटर है, यहाँ पे ब्रिज है, इसके बीच में की वायर ऑसिलेट होने वाली है, वाइब्रेट होने वाली है, और जब वो वाइब्रेट होगी तो नोड बनाया जाएगा जहाँ पे वो ब्रिजेस है, और बीच में एग्जैक्टली सेंटर पे एंटी नोड बनेगा। इस लेंथ को एल बोलेंगे। सो एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू, लैम्डा इज इक्वल टू टू एल, एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू, लैम्डा इज इक्वल टू टू एल, एंड वी इज इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई एम, स्मॉल एम इज मास पर यूनिट लेंथ एंड टी इज द टेंशन। ये यहाँ पे दिख रहा है सब लोगों को, ये हैंगर है, शायद पहले एक्सपेरिमेंट में नहीं देखा होगा आपने क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं थी। ये हैंगर है, इसका कुछ वजन होता है, और इस हैंगर के अंदर मैंने कितने वजन रखे, इस हैंगर के अंदर मैंने एक वजन रखा है, दो वजन रखे। ओके, इस हैंगर के अंदर आपने देखा होगा ये हैंगर का वजन प्लस ये दो स्लॉटेड वेट्स कहा जाता है, हर एक का मास है हाफ के जी, सो 1 kg प्लस द मास ऑफ द हैंगर टेंशन इंटू 980 ऑफकोर्स या 9.8 डिपेंडिंग अपॉन क्या SI है या CGS में मेजर किया जा रहा है। सो V इज इक्वल टू n लैमडा इज इक्वल टू रूट ऑफ T बाई m, n इज इक्वल टू 1/12 रूट ऑफ T बाई m, n इज इक्वल टू 1/12 रूट ऑफ T बाई m। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी विथ विच अ वायर ऑफ लेंथ L subjected to tension T and having mass per unit length m oscillate naturally. Okay, fine. फिर हमने इसके साथ जुड़े हुए लॉज देखे। पहला लॉ है n is inversely proportional to L when T and m are constants. दूसरा लॉ देखा n is directly proportional to root T when L and m are constants. And n is inversely proportional to root m when when l and t are constants. Last के experiment में हमने n is inversely proportional to l prove किया by proving n1 l1 is equal to n2 l2 is equal to n3 l3 and so on. लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमने प्रूव किया, हमने टेंशन, इसलिए मैंने वो टेंशन दिखाया नहीं था, टेंशन कांस्टेंट रखा था। कैसे टेंशन कांस्टेंट रखा था, तो इधर हाथ ही नहीं लगाया था, स्मॉल एम कांस्टेंट रखा था, मास पर यूनिट लेंथ वायर को नहीं बदला था। आज हमको क्या करना है, वी हैव टू प्रूव एन इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू रूट टी एट कॉन्स्टेंट एल एंड एम। ये प्रैक्टिकली बड़ा डिफिकल्ट जाता है, इसलिए हम प्रूव करेंगे, या पहले हमको क्या प्रूव करना चाहिए था देखेंगे, जो हम नहीं प्रूव करेंगे, n upon root of t, n1 upon root t1 is equal to n2 upon root t2 is equal to n3 upon root 3 and so on, ये प्रूव करना है एट कॉन्स्टेंट l एंड m। बच्चों एट कॉन्स्टेंट l एंड m जब लिखा जाता है यानी ये डिस्टेंस नहीं बदलना है, और फ्रीक्वेंसी बदल के ये लोड एडजस्ट करके इस ट्यूनिंग फॉर्क का ट्यूनिंग फॉर्क बदल के लोड चेंज करना है, और इसी लेंथ पे ही ऑसिलेट वाइब्रेट करके गिराना है इसको। कौन है ये, अपना राइडर। ये प्रैक्टिकली बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई हैव टू चेंज द वेट एंड देन विदाउट चेंजिंग द लेंथ उसी डिस्टेंस के ऊपर अलग अलग फॉर्क इस्तेमाल करने हैं। ये अलग अलग फॉर्क है, इनका इस्तेमाल करना है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लेंथ बदलना हमारे लिए आसान है, लेंथ बदलना इधर आसान है, लेकिन ये और ये चेंज करके इतने ही लेंथ पे गिराना गड़बड़ है, कैलकुलेशन में बैठता नहीं है वो। क्योंकि क्योंकि अब ये फॉर्क तो मैं नहीं बदल सकता, 384 के बाद उससे आगे 426 का आएगा, 400, तो इसको बीच में का फॉर्क है ही नहीं मेरे पास, और यहाँ भी वही गड़बड़ है, हाफ के जी के बाद मेरे पास 250 ग्राम का है, ये 250 ग्राम का है,
तो हाफ केजी के बाद 250 ग्राम, तो बीच में का भी कुछ नहीं है मेरे पास। इसलिए हम लोग, तो पहले समझो क्यों किया है ऐसे। इसलिए हम लोग क्या करने वाले, ये ऐसा हम लोग प्रूव नहीं करने वाले हैं। तो हम क्या प्रूव करने वाले हैं आज, पहले क्या नहीं करना है, क्यों नहीं करना है ये समझो। आप देखो क्या प्रूव करेंगे हम लोग। ये क्या है, एन इज इक्वल टू 1/12 रूट ऑफ टी बाय एम। फॉर्मूला वही लिखा है मैंने, एन इज इक्वल टू 1/12 रूट ऑफ टी बाय एम। हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर कर दो दोनों साइड को। क्या आएगा गाइस, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4L² टी बाय एम। एन स्क्वायर 4m, एन स्क्वायर 4m इज इक्वल टू टी बाय एम। मैं इसको कांस्टेंट रखने वाला हूं, वायर को कांस्टेंट रखूंगा, मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है। मैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखूंगा, मैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखूंगा बाय नॉट चेंजिंग द फॉर्क। मैं फॉर्क बदलने नहीं वाला हूं, इसलिए मैं इसको पहले साइड में रख देता हूँ। लॉक कर दिया मैंने इसको, मैं मुझे नहीं इस्तेमाल करना, एक ही फॉर्क इस्तेमाल करूंगा मैं, एक ही फॉर्क इस्तेमाल करूंगा मैं। और एन कॉन्स्टेंट हो गया, मास पर यूनिट लेंथ, अरे गड़बड़ लिखा मैंने, एल स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ पे। ओके, 4n² m, तो ये सब कॉन्स्टेंट है, सो आई राइट टी अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज वॉट आई एम गोइंग टू प्रूव टूडे, T1/L1² इज इक्वल टू T2/, क्योंकि लेंथ को चेंज करना, माइक्रोस्कोपिकली चेंज करना लेंथ को आसान है। फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के बाद, एक टिपिकल इंटरवल के बाद ही फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। इसको भी ज्यादा से ज्यादा रेजोल्यूशन 250 ग्राम का है, उससे आगे नहीं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू प्रूव, आई अंडरस्टैंड टुडे, आई एम गोइंग टू प्रूव T/L² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैं फॉर्क एक ही लेने वाला हूँ, 384 का फॉर्क एक ही लेने वाला हूँ मैं। और मैं देखता हूँ अभी इसका वजन क्या है भाई, यहाँ लिखा हुआ है क्या, इसका अमूमन लिखा जाता है, इसका जो मास है वो लिखा जाता है, ये 150 ग्राम का है। तो अब क्या करने वाले हम लोग, तो आई एम गोइंग टू कीप द फ्रीक्वेंसी द सेम एंड आई एम गोइंग टू चेंज द लोड, एंड बाय चेंजिंग द लोड आई विल नाउ एडजस्ट द लेंथ T L² दैट्स इट, व्हाट दैट्स व्हाट आई एम सपोज टू फाइंड आउट। चलो अब कैसे करेंगे, कंसेप्ट समझ में आ गई क्या करना है। अब देखेंगे एक्सपेरिमेंट कैसे की जाती है, अब देखेंगे एक्सपेरिमेंट के। एम टू वेरीफाई द लॉ ऑफ टेंशन, दैट इज टू प्रूव दैट T/L² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड टेंशन, तो मुझे समझा क्या करना है, T/L² कॉन्स्टेंट प्रूव करना है। ओके, एपरेटस सोनोमीटर स्लॉटेड वेट्स विथ हैंगर, अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी, अ ट्यूनिंग फॉर्क एक ही है, रबर पैड है, ये रबर पैड है अपना, पेपर राइडर मीटर स्केल। ओके, फॉर्मूला बताए। अब सीजीएस में काम किया है आपने। ओके, सो द मास ऑफ द हैंगर MH सपोज वो है 150 ग्राम्स, द मास ऑफ द वेट्स 500 500 के दो कितना हो गया 1000 ग्राम, मास टोटल 1150 ग्राम्स, टेंशन 1150, ये इसका एडिशन है 1150, 1150 इंटू 980 डाइन, ये क्या हुआ, ये पहला वाला टेंशन हो गया। कैसे, सिर्फ एक एक बता रहा हूं लेके क्या करना है। सो ये पहला वाला टेंशन हो गया, फाइन। मास अटैच टू द वायर इंक्लूडिंग द हैंगर, टेंशन उन्होंने तो ये किया है एक कॉलम, तो फाइन एक कॉलम जो है इसका वो ये है कि द मास टोटल ये कितना है, फिर इससे टेंशन आएगा, कैसे आएगा टेंशन, 980 से मल्टीप्लाई करके, और फिर L1 L2 L1 L2 L mean L1 L2 L mean, फिर उसके बाद एल स्क्वेयर, क्योंकि मुझे क्या प्रूव करना है, T/L² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रूव करना है। सो एल मीन यहाँ आ गया एल स्क्वेयर, फिर
फिर यहाँ आएगा टी बाय एल स्क्वेयर, यहाँ आएगा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन टेबल है। मास अटैच टू द वायर इंक्लूडिंग द हैंगर, ये है मास। सेकेंड कॉलम टेंशन, ये आया डाइन में। एल वन एल टू एल मीन, एल वन एल टू एल मीन मैंने आपको पढ़ाया, एल वन एल टू एल मीन यानी क्या, एल स्क्वेयर, सो ये एल स्क्वेयर आ गया, एंड देन टी बाय एल स्क्वेयर, देन टी बाय एल स्क्वेयर। तो अब कैसे करें, तो मास लिया मैंने कितना, 1 kg का डाल दिया उसमें। अब मैंने ऑलरेडी इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, या अब मेरा ट्यूनिंग फॉर्क है 384 का, अब मुझे इसको गिराना है, फिर इसके बाद मैं हैंगर में और वजन डालूंगा, तो होगा क्या, तो अगर टी बढ़ गया तो एल भी बढ़ेगा, टी बढ़ गया तो एल भी बढ़ेगा और टी बाय एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट आएगा, देखते हैं। वाइब्रेट हो रहा है, यस इट इज वाइब्रेटिंग क्वाइट विगरसली नाउ। अब आपको आराम से समझ में आता है कि आपने वो वाइब्रेटिंग लेंथ एक्सीड कर दिया, बराबर चल रहा है, सेंटर पे रखो। चलो शुरू करते हैं वापस एक बार, चलो लगता है मैंने रेजोनेटिंग लेंथ को एक्सीड कर दिया है, मैं एक बार गिन चेक कर लेता हूँ। यस आई थिंक आई हैव एक्सीडेड द रेजोनेटिंग लेंथ, क्योंकि उसके वाइब्रेशंस मैक्सिमम होके वापस कम हो गए, तो इमीडिएटली यू कम टू नो कि कुछ गड़बड़ है, वाइब्रेशंस जो है वो मैक्सिमम हुए और फिर वापस घट गए, तो यू कम टू नो कि अरे भाई कुछ गड़बड़ हो रही है आपसे। चलो वापस एक बार कोशिश, या असेंबली इधर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से सेंटर में नजर आए। यस ओके, मैं सभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेक कर रहा हूँ, नजदीक लिया तो क्या होता है और दूर लगाया गया तो क्या होता है। तो अब ये हिल नहीं रहा है बिल्कुल ही, अभी इधर हिलना शुरू हो गया, आई एम एबल टू सी दैट, गिर गया। सो व्हाट यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड, मैंने आज क्या किया है, लास्ट टाइम मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने इस बार रेजोनेटिंग लेंथ के पहले भी मैं आपको लेके गया, उसके आगे भी लेके गया मैं, ताकि आप समझ पाओ उसको देख के, इसके वाइब्रेशन से समझ में आता है वेदर यू हैव एक्सीडेड दैट लेंथ और नॉट। सिर्फ उसको टच करो अपने आप उड़ जाता है वो, यू डोंट हैव टू बैंग इट वेरी हार्ड, यू जस्ट हैव टू टच इट, देखो कितना कितने जोर से उड़ा है वो। वापस एक बार देखते हैं, आई एम नॉट बैंगिंग इट, वापस एक बार देखो, मैंने पहले आपको दिखाया लेंथ कम थी तब क्या होता है, तो वाइब्रेशन उसका कैसे था, ज्यादा हो गई तो वाइब्रेशन, इसके आवाज को भी सुन सकते हो आप और जज कर सकते हो कि क्या करना है। देखो वापस एक बार, जस्ट कीप इट, इट विल वैनिश, आई मीन। तो क्या करना है, तो टेंशन मालूम है, पहला रीडिंग है ये, मास मालूम है, उसको 980 से मल्टीप्लाई किया मैंने, ये लिया लेंथ को स्क्वायर कर दो और ये आ गया टी बाय एल स्क्वायर। अब क्या करना है देखते हैं, अब मैं इसमें ये आधा किलो और ऐड कर दूंगा, अब नहीं गिरेगा ये, अभी देखो, अभी देखो, अब सब कुछ वही है, सिर्फ मैंने क्या फॉर्क बदला है क्या, नहीं, सिर्फ मैंने यहाँ क्या कर दिया है, टेंशन चेंज किया है। अब टेंशन बदलने की वजह से इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और ये गिरेगा नहीं, यहाँ पे गिरा क्या, नहीं, वापस एक बार देखते,
फिर हमको क्या करना पड़ेगा, लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। मुझे वहां एक्चुअली वो रेजोल्यूशन की वजह से, लेकिन मुझे यहां बराबर दिखाई देता है उसका वायलेंस, जो वायलेंटली वो हिलता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। नाउ इट्स डांसिंग, सी दिस वेरी प्रॉपरली। मैं वापस एक बार बताता हूँ, इसी डिस्टेंस इट्स डांसिंग ऑन द वायर, स्लाइट चेंज नाउ। ओके, नाउ इट्स वाइब्रेटिंग वेरी वेरी वायलेंटली। वापस एक बार बता रहा हूं कि कभी कभी वो गिरेगा नहीं, मैक्सिमम वायलेंट वाइब्रेशन को आपको ले लेना है रीडिंग। गिर गया, सिंपल। वापस एक बार चेक करते यहां पे और अच्छे से गिरेगा या और दूर लेके जाना पड़ेगा, सेंटर में रखना है इसको, याद रखो हमेशा। ओके, बड़े आराम से गिर रहा है, बड़े आराम से गिर रहा है। क्या क्या मैंने हाफ केजी ऐड कर दिया, इट्स फॉलिंग अपार्ट। सो वापस ये लेंथ लूंगा मैं, सेकंड रीडिंग, इसमें 500 ऐड कर दिया, ये टेंशन बढ़ गया, लेंथ वन लेंथ टू लेंथ मीन, ये भी आ जाएगा। ओके, अब और 500 बढ़ाओ, पहले ये रख दो इसके सेंटर पे। अरे भाई तू आ जा, या अभी मैंने यहाँ दिख रहा है ना, इसलिए ये थोड़ा कैमरा के अरेंजमेंट चेंज कर दिए है हमने ताकि आप इसको देख पाओ। और 500 ग्राम बढ़ा दिया, अब गिरता है क्या देखते हैं। यहाँ पे नहीं गिर रहा है, क्यों? क्योंकि लोड बढ़ गया, टी बढ़ गया, टी बढ़ गया तो एन बढ़ गया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ गई, यहाँ पे वो नहीं गिरेगा। तो चलो और ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, टी बढ़ाया तो रूट टी बाय एल स्क्वायर, या रूट टी बाय एल इज कांस्टेंट या टी बाय एल स्क्वायर इज कांस्टेंट, तो लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। गिर गया, लेंथ को वापस एक बार देखो। कभी कभी क्या हो जाता है, ज़्यादा बैंग करने की वजह से भी वो गिरता है, इसलिए मैं 2-3 बार वेरीफाई कर लेता हूँ कि भाई वो रेजोनेंस की वजह से गिरा है। रेजोनेंस क्या है, लास्ट थ्रोन ऑफ, इट्स थ्रोन ऑफ, जस्ट जस्ट सी दैट द वे इट्स थ्रोन ऑफ। ओके, मुझे लगा मैंने अभी ज़्यादा बैंग कर दिया, वापस एक बार करके देखता हूँ। दैट्स इट। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई हैव इंक्रीज्ड द टेंशन, मास बढ़ा दिया, टेंशन बढ़ गया, L1 बढ़ गया, L2 बढ़ गया, एल्यूमिनियम बढ़ गया। अरे क्या हो गया, आपको क्या समझ में आएगा, भले ही T बढ़ाने के बाद L बढ़ेगा, लेकिन आपको समझ में आएगा ये T बाय L स्क्वायर जो है, ये T बाय L स्क्वायर की वैल्यू सेम आएगी, T बाय L स्क्वायर की वैल्यू नहीं चेंज होगी, T बाय L स्क्वायर की वैल्यू चेंज नहीं। Okay, so that's the way we are going to verify it. I'm reading out few things. Place the rider, strike the given tuning fork, ye ho gaya, slowly distance, ye bhi ho gaya. Nahi, jyada kuch nahi hai. Graph ke baare mein bataunga, lekin usse pehle, I would like to tell you something about, kuch students ne bola hai ki bhai wo log wala bhi explain karo, to chalo log wala bhi dekh lete. Some feedback was out there, ki sir, aap wo log wala kyun nahi le rahe ho? Kya karna hai? Wo observation table mein diya hai. कि log of t is equal to a, log of l square is equal to b, फिर क्या बोला है उन्होंने, a minus b is equal to c. So what actually it is, I'll tell you, t by l square is equal to, मुझे constant prove करना है. So log of t by l square is equal to log of some constant, उसको k लिख देता हूँ मैं. So log of t माइनस लॉग ऑफ एल स्क्वेयर इज इक्वल टू लॉग ऑफ के. सो आई विल फाइंड लॉग ऑफ टी, इसको मैं ए बोलूंगा,
आई विल फाइंड लॉग ऑफ एल स्क्वायर, इसको मैं बी बोलूँगा, फिर मैं ए माइनस बी निकालूंगा, लॉग ऑफ टी उसको मैं ए बोलूंगा, लॉग ऑफ एल स्क्वायर उसको मैं बी बोलूंगा, फिर मैं ए माइनस बी निकालूंगा और फिर ए माइनस बी इज इक्वल टू सी बोलूंगा, यानी ये आ गया। एंड फिर के विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सी, क्योंकि लॉग के आ गया है एंटी लॉग ऑफ सी। सो इट्स वेरी सिंपल। आई मीन व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज जस्ट लाइक लॉग टेबल्स, दैट्स इट। तो चलो ये भी समझ लिया, अभी ग्राफ भी समझ लेते हैं। अब यहां तक पहुंचे गए तो ग्राफ समझ लेते। मैं क्या चेंज कर रहा था? टेंशन। टेंशन की वजह से क्या चेंज हो रहा था? रेजोनेटिंग लेंथ। रेजोनेटिंग लेंथ चेंज हो रही है यानी वो डिपेंडेंट है। टेंशन क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो टेंशन को कौन से एक्सिस पे लेना है? एक्स एक्सिस पे लेना है। एल स्क्वायर को कौन से एक्सिस पे लेना है? वाई एक्सिस पे लेना है। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है। ग्राफ इट विल बी टी बाय एल स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, टी इज इक्वल टू एल स्क्वायर इनटू कांस्टेंट, और आई विल राइट एल स्क्वायर अपॉन कांस्टेंट। एल स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन कांस्टेंट। एल स्क्वायर इज वाई, t is x, 1 by k is m. So what it will be? It will be a straight line graph passing through the origin. It will be a straight line graph passing through the origin. State the second law of pi. अभी oral के questions ले लेते कुछ. Result क्या क्या आना चाहिए? As t by l square is equal to constant, when n and m are kept constant, the law of tension is verified. They call it law of tension practically. The graph L square against T is a straight line, therefore T is directly proportional to L square, hence the second law is verified. अब उन्होंने बोला precaution क्या लो? The wire must be free from kinks and of uniform cross section. इतने कुटे ही wire अशी अडकली गेली ना कोई? Keep the paper rider at the middle. गिर गया भाई लेकिन अभी. The stem of the tuning fork should rest on the sonometer box. That's what we were doing. We were banging it this way और यहाँ रखते थे. Strike the tuning fork gently. Yes, we are not striking it in a harsh manner. Oral ke questions before we end. State the second law of vibrating string. Bola hai ki ek practical, actually theoretical law is frequency of vibration of a wire is directly proportional to the square root of tension. Yahan pe T is directly proportional to L square. Why do we keep frequency constant instead of vibrating length constant? Maine bola kyunki ye इसका रेजोल्यूशन ने 51 ग्राम से अंतर 52 ग्राम करू नहीं सकत, इसको बड़े लीनियरली हम लोग चेंज कर सकते हैं। फॉर्क का भी फ्रीक्वेंसी का वही चक्कर है, 250 ग्राम के बाद 255 ग्राम नहीं कर सकते, जो फॉर्क अवेलेबल है वही लेने पड़ते हैं। हाउ मेनी नोड्स एंड एंटी नोड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द वायर वाइब्रेट्स इन द फंडामेंटल मोड? ये वायर फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट होगी तो दो नोड्स बनेंगे, टू नोड्स, और एक एंटी नोड बनेगा। दो नोड बनेंगे और एक एंटी नोड बनेगा। फाइन, दैट्स इट गाइस। हमारा ये एक्सपेरिमेंट जो है सोनोमीटर का, सोनोमीटर टू जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। बड़े आसानी के साथ आप कॉलेज में यहाँ पे ये प्रैक्टिकल कर सकते हो। थोड़ा सा पढ़ के आओ थियोरी पार्ट, ताकि उसका थियोरी भी समझ में आता है, प्रैक्टिकल भी, और फिर न्यूमेरिकल समझने में भी कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का हमारा प्रैक्टिकल का सोनोमीटर टू का काम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।